परमात्मा के दर्शन चार कदम दूर हैं, चार कदम का बढ़ाओ और दर्शन कर लो। संतों ने ये कहा है कि जप मरे अजपा मरे और अनहद हु मर जाए, और श्रुति समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो चार कदम क्या हैं भक्तों? पहला है नाम जप, दूसरा है अजपा, तीसरा है अनहद और चौथा तो प्रभु के दर्शन ही हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नाम जप शुरू करेंगे, नाम जप आपका अपने आप बंद हो जाएगा, यानी आपका मन नहीं करने का करेगा। जप में क्या क्या आते हैं? वाणिक, उपांशु और मानसिक। फिर आता है अजपा यानी कि प्राण जप, वो भी आपका छूट जाएगा, यानी कि लय हो जाएगा, आपके अंदर रोम रोम में समा जाएगा, आपका करने का मन नहीं करेगा। जिस प्रकार जब भूख मिट जाती है रोटी खाते खाते, तो रोटी खाने का मन नहीं करता, ऐसे ही जब आपका मन पूरी तरह से आपका हृदय भर जाएगा नाम जप से, अंग अंग में समा जाएगा, तो आपका मन स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो आपको आपका लय हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अनहद नाद, जो परमात्मा की आवाज़ है वो सुनने लगती है, वो भी सुनते सुनते जो है कि सुननी बंद हो जाती है, और फिर होते हैं परमात्मा के दर्शन चौथे कदम पर। तो बस चार कदम चलना है और परमात्मा के दर्शन करने हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।